Hey guys, आज हम ग्रोसरी शॉपिंग करने जा रहे हैं और यहाँ पे हमें दो चार दिन से कोई सामान मिल नहीं रहा है और आज फिर से एक बार ट्राई करने जा रहे हैं, तो लेट्स गो। हाँ, कोरोना वायरस की वजह से यहाँ पर बहुत बुरा हाल है, लेट्स ट्राई, आज देखते हैं कि क्या हाल है। तो हम जिस ग्रोसरी स्टोर पे जा रहे हैं वो लगभग 5 मिनट की दूरी पर है हमारे घर से और उसमें ऑलमोस्ट सारे डेली एसेंशियल्स मिल जाते हैं, तो हमें कहीं और यूजुअली नहीं जाना पड़ता। ओनली इफ़ वी वॉन्ट टू बाई सम इंडियन ग्रोसरीज देन उसका एक सेपरेट स्टोर पे जाना पड़ता है, बट मोस्टली सामान यहाँ मिल जाता है। और ये है यहाँ का स्टारबक्स जो कि पूरा खाली पड़ा है, कोई भी नहीं है यहाँ पे। यूजुअली वीकेंड्स पे ये भरा रहता है, बट आज देखिए इसकी क्या हालत है। सारे रोड्स खाली हैं, कोई भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। देखिए इक्का दुक्का लोग दिख रहे हैं अभी भी, ज्यादा लोग नहीं है रास्ते पे। और ये लोग जितने भी दिख रहे हैं ये सिर्फ इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि ज्यादातर लोग ग्रोसरी ही लेने जा रहे हैं, अदरवाइज लोग अवॉइड कर रहे हैं निकलना या बाहर घूमना। लोग यहाँ पे थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन कर रहे हैं। Yes, we are also trying the same कि हम दूर ही चले रहेंगे। हमारे घर से सबसे नियर बाय ग्रोसरी स्टोर है सेंसबरीज, हम वही जा रहे हैं, जो कि यूके की सबसे बड़ी चेन है, जो कि यूके की सेकंड सबसे बड़ी चेन है। फिर भी कुछ लोग दिख रहे हैं। बनाना इज फिनिश्ड। अदरक मिल गया है। लकीली ब्रोकली नहीं रहने दो, लेट्स नॉट टच इट। हाँ, यहाँ पे थोड़ा बहुत फ्रोजन सामान तो फिर भी मुझे दिख रहा है, जैसे कि पिज्ज़ा और वो सब, बट अगर हम वेजीज और फ्रूट्स वाले सेक्शन में जाएं तो यहाँ पर मोस्टली शेल्फ्स खाली पड़े हैं। यहाँ बेल पेपर्स और डिफरेंट फ्रूट्स जैसे कि बनानाज, एप्पल्स, बेरीज, ग्रेप्स वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा है इस वक्त। सिर्फ थोड़े बहुत आलू और प्याज पड़े हुए हैं जो कि ऑलरेडी हमारे पास है, तो वी वॉन्ट ओवर स्टॉक। ब्रेड ना
ओट्स ब्रेड नहीं है, ब्रेड तो ख़त्म हो ही चुकी है, बाकी सीरियल्स भी कोई ख़ास नहीं है, बहुत ही लिमिटेड वैरायटी है एंड जो पड़े हैं एक तो पैक ही पड़े हैं। फ्रोजन स्नैक्स भी सब ख़त्म पड़े हैं यहाँ पे। और दारू भी, यहाँ तो दारू भी सारी ख़त्म हो गई है। लंदन में और कुछ मिले ना मिले, दारू ज़रूर मिलती है, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि लोगों ने इसको भी स्टॉक कर लिया है कि आज पी लो कल पता नहीं कल हो ना हो। एग्स भी सारे ख़त्म है यहाँ पे, शुगर भी नहीं है, तो हमें फ्रूट्स और वेजीज तो लेनी थी और सामान काफ़ी लेना था बट इतना नहीं मिला, सिर्फ वेजीज के नाम पे ब्रोकली मिली है, तो ब्रोकली जिंजर और मिल्क लेके हम जा रहे हैं वापस घर। तो फ्रेंड्स, ये ट्रेंड अक्रॉस द वर्ल्ड देखा जा रहा है कि लोग पैनिक बाइंग कर रहे हैं और स्टॉक पाइल कर रहे हैं सामान को। प्लीज़ 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 ये मत करिए, जिनको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है जैसे कि एल्डरली और जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ डोंट डू दिस। एज दिस से इन स्कूल, एज अ टीचर इन स्कूल, शेयरिंग इज केयरिंग, सो प्लीज़।